हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज का वीडियो है, आपने थंबनेल में देखा ही है कि आज हम सीखेंगे कि चैंटिंग कैसे करनी है। हम बोलते तो है चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, बट चैंटिंग करनी कैसे है, तो उसके लिए पहले आपको लेनी है तुलसी माला। बट स्टार्टिंग में आपको कदम की माला लेनी चाहिए, बिकॉज हम लोग अनियन गार्लिक खाते हैं, चाय कॉफ़ी ये सब। तो इसलिए अगर आप स्टार्ट करें तो आप कदम की माला यूज़ कीजिए। नीम तुलसी माला आती है वो यूज़ कीजिए। तुलसी माला आप आगे आगे जैसे आप अपनी भक्ति में आगे बढ़ेंगे तब आप यूज़ करिएगा। और तुलसी माला भी कई मतलब उसमें आती है, जैसे ये तुलसी माला की मोतियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, कई की बहुत बड़ी बड़ी भी आती हैं, तो वो अपने प्रेफरेंस पे है। सो पहले तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम इस तरीके का बीड बैग होता है, इसे गौमुखी भी बोलते हैं, बीड बैग बोलते हैं, जपा बैग बोलते हैं, अलग अलग नाम है। तो इसमें हम लोग माला रखते हैं और फिर जप करते हैं। मैं पहले आपको ऐसे सिखा दूँगी कि ऐसे कैसे करना है बिना बीड बैग के, और फिर हमें बीड बैग में भी करके मतलब सिखा दूँगी। तो बीड बैग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमारी माला सेफ रहती है। जैसे हम कभी रास्ते में चल रहे हैं, कभी कुछ है, तो लाइक हम जैसे अगर घर में भी बैठ कर जाप कर रहे हैं तो हमारी जो माला है वो ज़मीन को नहीं छुएगी। अगर हम कभी पैर में भी चला गया गलती से, तो ये बीड बैग एक प्रोटेक्शन है हमारी माला के लिए। दैट्स व्हाई बीड बैग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपको ले लेना चाहिए। हर जगह अवेलेबल है और दुकानों में भी मिलती हैं, और आप नहीं मिला अगर आपके पास तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो फिर पहले तो ये होती है, हर माला में 108 बीड्स होते हैं और एक सुमेरु होता है। सुमेरु मतलब ये वाला अंका जिसके ऊपर जैसे देखो ऐसे डोरी रहती है, ठीक है ठीक है। तो जो हमारा सुमेरु होता है इस पर हमें पंचक मंत्र बोलना होता है। पंचक मंत्र होता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ये मैं टाइप करके भी दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। और जब आप स्टार्टिंग में याद नहीं होता है, मैंने भी स्क्रीनशॉट से ले लेके स्टार्टिंग में किया है, एंड इवेंचुअली वो याद हो जाता है आपको, और फिर बाद में आपको स्टार्ट करने। जैसे अगर मैंने अभी लिया स्टार्ट करने का है, मुझे माला करनी है अपनी, तो मैंने सुमेरु में अपना फिंगर रखा। ये हरी बोल, हरी बोल। तो आपकी ये जो फिंगर है, ये वाली जो फिंगर है, ये टच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपकी माला पे। इसलिए बीड बैग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपकी फिंगर बाहर रहेगी तो पता भी नहीं चलेगा। जैसे कभी अगर आप बिना बीड बैग के करें तो चांसेस है कि ये उंगली टच हो जाए। तो पहले आपको बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जब ये आपने बोल दिया तो फिर आपको नेक्स्ट बीड पे अपनी उंगली रखनी है, एंड फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके आपको पूरा ये 108 बीड्स बोलने हैं। और फिर जब आप लास्ट में यहाँ आ जाए, जैसे मैंने इधर लास्ट बीड पे मैं आ गई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मुझे ये क्रॉस नहीं करनी है ये सुमेरु को, मैंने इसको ऐसे टर्न कर देना है। जैसे टर्न कर दिया, आपको क्रॉस नहीं करना है। जैसे आपने इधर से, जैसे अगर ये लास्ट बीड था मेरा, तो मैं इसको ऐसे टर्न कर दूँगी, ऐसे उसी बीड से जिधर मेरा एंड हुआ है, मेरी अब नेक्स्ट माला वहीं से शुरू होगी। तो अगर मुझे सेकंड माला करनी है तो मैं वापस इधर वापस सुमेरु पे बोलूँगी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। और फिर बाद में मैं आगे आगे पूरे 108 बीट्स बोलूँगी। टर्निंग वाला पार्ट ना मैं वापस दिखा देती हूँ, कई बार दिखाने के टाइम पे मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो जैसे अगर आपका ये लास्ट बीट है ना, ठीक है, इधर आपने 108 आपका ख़त्म हुआ, तो आप टर्न करके ना आप वापस यहीं लेकर आ जाओगे अपनी बीड को, ठीक है, ताकि आपका मतलब जो मतलब बोलते हैं कि ये गुरु की बीड होती है, तो आपको अपने गुरु को क्रॉस नहीं करना है, इसलिए हम इसे क्रॉस नहीं करते कभी भी, टर्न कर लेना आपको, ठीक है। और फिर अगर आप बीड बैग में रखेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना। जैसे ये इधर बीड बैग में देखिए दो एक तरीके से बोल रहे थे, एक छोटा रहता है और एक इधर ये बड़ा वाला रहता है। तो बड़े वाले में आप इधर इसे माला को रख दीजिए अंदर, और फिर जैसे ही आप डालें तो अपनी इस फिंगर को पहले ही बाहर निकाल लीजिए। देखो ये मेरे को बड़ा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि बिना बीड बैग के मैं भी मुझे थोड़ी सी परेशानी होती जाप करने में, भले वो टर्निंग का हो जो लास्ट मोती रहता है ना वो भी, और चाहे फिंगर वाला हो, क्योंकि कुछ ना भी करो कभी कभी गलती से टच हो जाता है। तो ठीक है, अभी ये मेरी जो फिंगर है वो अभी दिखा सकते, जैसे देखिए इधर ये सुमेरु को मैंने पकड़ी रखी है इधर, और फिर मैंने वापस फिंगर को अंदर रख दिया। अब मैं बोल रही हूँ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके मैंने बीट्स बोल दिए। अब मैं लास्ट बीट पे जा रही हूँ, देखो ये लास्ट बीट पे करते करते मैं आ गई
अब मेरा वापस माला में ही ये हो रहा है, मैं हमें बाहर नहीं निकालना है, मैं आप लोग को दिखाने के लिए बाहर निकाल रही हूँ बार बार। एंड फिर बाद में आपने जब ये माला को ऐसे लास्ट बीट में आ गए तो वापस आपने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, फिर आपको इधर ही टर्न कर लेना है, आपको क्रॉस नहीं करनी अपनी माला को, उधर ही टर्न कर लेना है। तो बोलो जांट किया करो, जांट किया करो, ऐसे मत बोलो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बोलो 10 रील कम देखो चांट करो, 8 मिनट लगता है खाली। थोड़े शॉर्ट्स कम देखो, थोड़े रील्स कम देखो, टाइम अपने आप निकलेगा, 16 माला क्या 20 माला के टाइम निकल आएंगे, ठीक है। फिर बाद में आपको ये टर्न करना है एंड दैट्स इट, आप जितनी माला करना चाहो उतनी माला कर लो। स्टार्टिंग आप 1 माला से भी कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 माला तो आप रोज़ करिए। हरे कृष्णा महामंत्र के ऐसी मतलब बोल सकते हैं महिमा है कि आप खुद ही जाप करते करते आप कहाँ अपनी काउंटिंग बढ़ा लेंगे ना, आपको नहीं पता चलेगा। मैंने भी 1 माला से ही शुरू किया था, हर कोई 1 माला से ही शुरू करता है, कोई स्टार्टिंग में ही 16 माला नहीं कर लेता है, बट बहुत लोगों को पता नहीं आप क्यों ऐसा लगता है कि अरे हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। टाइम सबके पास रहता है, बस प्रायोरिटी का फेर है। देखो मेरी जपा बैग पूरी लाओ इधर। ओके सर, जो भी अभी तक के लिए इतना ही था। साक्षी माला की काउंटिंग अगर आपको सीखनी हो तो मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगी, साक्षी माला पे काउंटिंग कैसे करते, क्योंकि काफ़ी लोग चांटिंग तो करते हैं बट साक्षी माला क्या होती है यही नहीं पता, और साक्षी माला में कैसे काउंटिंग करते हैं यही नहीं पता। तो साक्षी माला एक्चुअली कुछ इस तरीके से रहती है, इसमें हम काउंट करते हैं एक्चुअली, ये 16 माला काउंटिंग के लिए रहते हैं, क्योंकि 16 माला करना और फिर याद रखना कि हमने 16 माला की है बहुत ही ज़्यादा नहीं, अब कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आपने भी 2 माला की थी कि 3 कि 4, तो इसके लिए ये साक्षी माला रहती है, इसको हम लोग काउंटर माला भी बोलते हैं। तो इसमें काउंटिंग कैसे करते हैं ये भी मैं वीडियो डाल दूँगी अलग से, और जो भी आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक आती है, जो मतलब नहीं बैकग्राउंड नॉइज़ आती, म्यूज़िक नहीं नॉइज़ आती है वीडियो में, और मेरे थोड़ा वॉइस या जो भी क्वालिटी का हेर फेर है उसके लिए आई एम सो सो सॉरी। एक तो मेरी पढ़ाई रहती है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं पूरी इस सब चीज़ में मैनेज करूँ, पढ़ाई भी है आपको खुद का भी, मेरे को खुद की भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ देखनी है और फिर यूट्यूब वीडियो बनानी है, तो काफ़ी चीज़ें मैं नहीं कर पाती क्वालिटी को लेकर। बट अभी मेरे को माइक मैं अभी मंगवाऊँगी जल्दी, और मैंने अपनी UPI ID आप लोग को दी थी कम्युनिटी पोस्ट में कि आई नीड सम फाइनेंशियल हेल्प ताकि क्वालिटी बदल सके वीडियोस की, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, भले ही सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हो गए, बट अगर आपको पता होगा YouTube के लिए मोनेटाइजेशन के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए, या फिर तो 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए आपको शॉर्ट्स में, तो मेरे एक भी नहीं हुए, तो मेरा चैनल इज़ नॉट मोनेटाइज, तो इसलिए आई नीड सम फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम यू गाइज। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इफ़ यू आर कैपेबल यू कैन अफोर्ड प्लीज़ हेल्प, ताकि मैं क्वालिटी पे थोड़ा काम कर सकूँ, लाइक माइक मंगवा सकूँ अपने लिए, रिंग लाइट, क्योंकि लाइटिंग का भी इशू हो जाता है, तो ये सब चीज़ें मैं कर सकूँ अपने चैनल के लिए। और स्पॉन्सरशिप आई भी है 1-2 जन की, तो थैंक यू सो मच, आप लोग ने हेल्प किया, और जल्दी हम वो सब चीज़ें मंगवाएंगे और दिखाऊंगी भी कि देखिए गाइस आपकी मदद किया इसलिए ये चीज़ मैं मंगवा पाई हूँ। एंड दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में और भी नई वीडियोज़ आएंगी, तो अभी तो मेरी एग्ज़ाम भी हो गई है तो थोड़ा टाइम देंगे यूट्यूब पर, और जो भी आपको सजेशन हो कि आप ये वीडियो बनाओ तो आप कमेंट कर दीजिए, और अगर इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए कि हाँ आपने ये गलती की है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, मुझे भी इतना कुछ नहीं पता है, मैं भी सीख रही हूँ और जो थोड़ा बहुत सीखती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो आप अगर मेरी गलती भी पॉइंट आउट करेंगे तो मोस्ट वेलकम, हम उस पर काम करेंगे, और अगर कोई ज़्यादा बड़ी गलती हो गई होगी, जैसे अगर मैंने कुछ गलत बता दिया होगा तो मैं उसका बता दूँगी आप लोग को, आपसे पॉइंट आउट कर देना एक बार, ठीक है सर। दैट्स इट, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हरे कृष्णा। मेरी माला तो चलो, मेरी हल्दी की माला, बउआ बीट बैग दे दो, मेरी नहीं दे दो राजा, नहीं मेरी बीट बैग दे दो, नहीं बुआ नहीं दूंगी, क्या करोगे फिर बीट बैग लेकर, दे दो नहीं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अभी हम लोग वीडियो बनाएंगे ना, वीडियो बनाएंगे ना, सबको सिखाएंगे कैसे माला पे जाप करने का ना, तो वो उसके लिए माला निकालने पड़ेगी, वो वाला नहीं, वो वाला तो बुआ का मेन है, वो तो बुआ का मेन है। इसने बोला अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हरी बोल, वापिस जोर से बोलेंगे एक बार साथ में, हरी बोल, बोलो हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सब्सक्राइब कर दो यार।
बोलो अगर अगर आप बोलो आप खुद से बोल रहे थे ना, बुआ थोड़ी सिखाई थी। बोलो अगर वीडियो पसंद आया है तो फिर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हरी बोल हरी बोल। और शेयर करना कौन बोलेगा, शेयर भी तो करो। शेयर करो और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हरी बोल हरी बोल। और मेरा भी चैनल है, बोलो मेरा भी चैनल है। मेरा भी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करो। उसको भी आप कार्य करो। हाँ पैसे नहीं लगते। पैसे नहीं लगते, फ्री है। फ्री है। हाँ हरी बोल। हाँ।